नमस्कार दोस्तों, डिलाइट फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारे फार्म पे कुछ टाइम पहले FMD जो डिज़ीज़ होती है उसके सिम्टम हमारे फार्म पे देखने को मिले। अभी के टाइम पे FMD हमारे फार्म से बिल्कुल जा चुका है। अभी कोई FMD से हमारे फार्म पे कोई भी गाय को नहीं हुआ है। इससे पहले के टाइम पे, कुछ टाइम पहले FMD आया था फार्म पे, जिस पे हमने ये पोटेशियम परमैंगनेट का स्प्रे किया और इनको एंटीबायोटिक वगैरह दी, बुखार के लिए पैरासीटामोल वगैरह दी, जिससे कि स्टार्टिंग फेज में ही FMD जो है वो कंट्रोल हो चुका था। दो गायों को फैला ये, दो से तीसरे में एक दो दिन के लिए हुआ था तीसरी गाय को भी, लेकिन उसके बाद सबके उसमें ख़त्म हो गया। अभी के टाइम पे सारी गायें स्वस्थ हैं एकदम। हमने कंटिन्यू पोटेशियम परमैंगनेट का स्प्रे किया था फार्म पे, फार्म के आसपास भी करते थे, सुबह शाम दिन में तीन टाइम पे सभी गायों के पैरों को धोते थे पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से। उसके बाद चारों तरफ फार्म पे पूरे मैट वगैरह में सब जगह पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव किया, जिससे कि हमें बहुत बचाव मिला इससे। आपके यहाँ भी कोई भी अगर बैक्टीरिया वगैरह इस तरह की वायरल डिजीज़ से अगर अपनी गायों को अगर बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करें और एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज़ करें, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम गाय को हो तो उससे निजात मिल सके। बात करें प्रेजेंट टाइम में गायों के हाल की, प्रेजेंट टाइम में सारी गायें स्वस्थ हैं, सारी गायें अच्छे प्रोडक्शन पे हैं। अभी दो चार दिन फार्म पे साइलेज की शॉर्टेज हुई, तो उस वजह से थोड़ा ग्रीन फोडर दिया जा रहा है हल्का दुल्का। तो साइलेज की अवेलेबिलिटी होने के बाद उसके बाद फिर से इनको साइलेज पे रखा जाएगा कुछ टाइम तक। उसके बाद इनको ग्रेन फोडर, जब से हमारे पास सीजनल ग्रेन फोडर आना स्टार्ट हो जाता है, तो सीजनल ग्रेन फोडर के साथ हम इनको साइलेज देंगे। तब तक के लिए इनको साइलेज और भूसे पे ही रखते हैं। और सारी गायें अच्छे से प्रोडक्शन कर रही हैं, इसमें से जिसमें से हम कुछ गायों को कंसीव करा लिए हैं और कुछ को कराना बाकी है। आज के लिए